कुशवाहा पुस्तक केंद्र एंड पेपर हाउस खानपुर बाजार समस्तीपुर बिहार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। तो चले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। जुलूस निकाल कर किसानों ने कृषि समन्वयक का फूका पुतला। जलमग्न खेतों के बावजूद अतिवृष्टि से फसल क्षति शून्य का रिपोर्ट भेजने वाले कृषि समन्वयक को बर्खास्त करो, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह। ताजपुर से राजेश कुमार के साथ अरविंद कुमार। घर बैठे रिपोर्ट भेजने से हजारों किसान फसल क्षति मुआवजा से हुए वंचित। तेज होगा आंदोलन। करीब 3 महीने से वर्षा में जलमग्न समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के खेतों में किसानों के लहराती सब्जी मसलन नेनुआ, परवल, करेला, कद्दू, टमाटर, बैगन, झिंगनी, मूली, खीरा, मिर्ची, घुरमा, गोभी समेत केला, मक्की आदि की फसल पूरी तरह जगजाहिर तौर पर बर्बाद हो गई। बावजूद इसके 9 अगस्त को बैठक कर कृषि समन्वयकों ने अतिवृष्टि से फसल क्षति का शून्य रिपोर्ट बनाकर जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजे जाने से किसानों को फसल क्षति के मुआवजा मिलने के रास्ते बंद होने से गुस्साए बड़ी संख्या में किसानों ने बृहस्पतिवार को मोतीपुर खैनी गोदाम से विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा से संबंधित किसानों ने अपने अपने हाथों में मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां, झंडे, बैनर लिए जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए बाजार क्षेत्र के गांधी चौक पहुंची, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि करीब संपूर्ण ताजपुर प्रखंड के खेतों में वर्षा जल भरा हुआ है, ये सर्वविदित है। भाकपा माले ने सीओ बीडीओ नव पदाधिकारी को खेतों से जल निकासी के लिए पत्र भी दे चुके हैं। बावजूद इसके खेतों का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने के बजाय कृषि समन्वयक घर बैठे ही अतिवृष्टि से फसल क्षति का रिपोर्ट शून्य बनाकर सरकार को भेज दिया। किसान नेता ने कहा कि ये अन्नदाता के खिलाफ अन्याय है और किसान महासभा इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मांग की कि कृषि पदाधिकारी जल्द अपने नेतृत्व में कृषि समन्वयकों का बैठक बुलाकर रिपोर्ट को सुधार कर पुनः सरकार को भेजें, ताकि किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिल सके, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि किसानों की योजना में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। पशुपालकों के बजाय गैर पशुपालकों को फर्जी रूप से पशु शेड देकर प्रखंड में करोड़ों रुपए की लूट जारी है। हालांकि सब हिमालय से